दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 1 लाख के इनामी कुख्यात बदमाश हरिया और पवन की पुलिस कस्टडी में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गौरतलब है कि हाल ही में फरीदाबाद पुलिस के साथ हरिया गैंग की मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ में हरिया के एक साथी अरुण को पुलिस ने एनकाउंटर में मौत के घाट उतार दिया था। पलवल पुलिस ने हरिया को दिल्ली से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने हरिया को गिरफ्तार कर 6 दिन रिमांड लिया था, लेकिन जिसे 19 फरवरी को कोर्ट में पेश करना था। अचानक पुलिस कस्टडी में हरिया की मौत ने सभी को चौंका दिया है। बता दें कि हरिया के ऊपर लूट डकैती के 32 मामले दर्ज थे। अस्पताल में बेपरवाह अवस्था में पड़ा दिखाई दे रहा है ये कुख्यात तो और 1 लाख का इनामी बदमाश हरिया है, जो औरों को मिनटों में मौत के घाट उतार देता था। लेकिन आज अभी उसी की पुलिस कस्टडी में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सुनकर इलाके के लोग चौंक गए। पुलिस के मुताबिक हरिया रिमांड में चल रहा था और वह उसका मेडिकल कराकर सिविल अस्पताल से वापस ही लौट रहे थे कि तभी रास्ते में हरिया ने अपने सीने में दर्द की शिकायत उन्हें बताई। इसके बाद पुलिस उसे तुरंत वापस सिविल अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सिविल अस्पताल पलवल के CMO के मुताबिक पुलिस आज हरिया को मेडिकल कराने के लिए लाई थी और मेडिकल के बाद चली गई, लेकिन कुछ ही देर में पुलिस हरिया को दोबारा लेकर आई। लेकिन जब अस्पताल लेकर आई तो हरिया की मौत हो चुकी थी। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है, उसी के बाद पता चलेगा कि हरिया और पवन की मौत की असल वजह क्या है। पहले इसमें यहाँ इसका मेडिकल करा के लेके गए हैं, जब सही था जब इसने मेडिकल कराने के बाद इसने वहाँ रास्ते में ही कहा भाई पुलिस लाइन के मोड़ के पास भाई मेरे छाती में दर्द हो रहा है और दर्द के वजह से फिर इसको वापस यहाँ लाए। यहाँ रेजिडेंट ऑफ गांव बैसरावली जो तिगांव ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, तो इनको हसनपुर पुलिस लेके आई थी यहाँ पे 1:38 पर। उस टाइम डॉक्टर राजकुमार ड्यूटी पे थे, उन्होंने इनका रूटीन एग्जामिनेशन के लिए आए थे वो, तो उस टाइम उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक थी जैसे डॉक्टर राजकुमार मेरे को बता रहे हैं। तो ये दोबारा से करीब 3 बजे के आसपास आया है।